हेलो एवरीवन, दिस इज़ मेघा सिन्हा ऑन मेघा आर्ट अमोर। ये है सेकेंड सीरीज़ जिसमें आप सीखेंगे कि आप एनिमल्स के फिगर कैसे ड्रॉ कर सकते हो। सेपरेट वीडियोस में लेके आऊँगी अबाउट देयर हेड, फीट्स, बॉडी स्ट्रक्चर, कि आप लाइंस एंड एंगल्स की मेजरमेंट से, इजी कंस्ट्रक्शन से कैसे आप उन्हें इजीली सीख सकते हो ड्रॉ करना। तो फर्स्ट वीडियो है मेरा, वो है बर्ड हेड स्टडी। सो इसमें मैंने डिफरेंट बर्ड्स के हेड के कंस्ट्रक्शन को आपको दिखाया है। एज यू कैन सी कि जो पहला बर्ड है उसके बेस कंस्ट्रक्शन में मैंने सर्कल बनाया एंड ऐसे 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। एंड फर्स्ट हाफ में हमारी आई बन जाएगी बर्ड की एंड फर्स्ट टू हाफ्स में बीक का कंस्ट्रक्शन हो जाएगा एंड द रेस्ट ऑफ द पार्ट इज लेफ्ट ब्लैंक। सो आप देखिए कि मैंने इसके स्ट्रक्चर के जो लाइंस हैं वो कैसे दिए हैं। ग्राफ मैंने हमेशा लाइट हैंडेडली किया है एंड जो फाइनल स्ट्रक्चर मुझे बनाना है उसे मैंने थोड़ा प्रेशर डाल के पेंसिल पे किया हुआ है। सेकेंड वाले में भी आप देख सकते हो बेसिक कंस्ट्रक्शन है सर्कल, बट उसका एंगल थोड़ा डिफरेंट है, जिसमें फर्स्ट वाले के कंपेरिजन में ये थोड़ा हमें उसका अनदर पोर्शन भी दिख रहा है, बट हमें सेकेंड वाली आई नहीं दिख रही है। दिस इज़ द मेन थिंग। थर्ड में बनाऊंगी मैं फ्रंट फेस में हेड। सो इसमें मैंने भी इक्वल 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है इसके हेड को एंड दीज आर आईज। उसके बाद मैं फ्रंट से दिखाऊंगी कि एक बीक जो होती है, मींस चोंच जो होती है बर्ड्स की, वो फ्रंट से कैसे दिखती है एंड अलग अलग एंगल से उनका साइज, मतलब आपको स्ट्रक्चर कैसे दिखता है। तो ये 3 सेम बर्ड के हैं कॉमनली, मतलब किसी भी बर्ड का स्ट्रक्चर इस तरह का ही होता है। सो नाउ आई अज्यूम कि आपको बेसिक स्ट्रक्चर पता चल गया होगा कि बर्ड के हेड को कैसे डिवाइड करना है डिफरेंट एंगल्स में एंड आपको कैसे कंस्ट्रक्ट करना है। यही पैटर्न जो होता है हेड स्ट्रक्चर का, कंस्ट्रक्शन का, आपको डिफरेंट डिफरेंट बर्ड्स में यूज़ करना है अलग फॉर्म में। लाइक ईगल का अगर हम देखें तो ईगल की जो बीक होती है वो आगे से थोड़ी कर्व होती है, तो वैसे ही आपको उसकी बीक को थोड़ा कर्व कर देना है एंड उसके सिर थोड़ी लंबी होती है एंड बाल घने होते हैं, तो आपको स्ट्रक्चर वही बनाना है एंड जितने भी हेयर्स या फर रहते हैं सिर में उसके हिसाब से आपको रेफरेंस इमेज जो आप ले लोगे देख के बनाने को, आपको उसके हिसाब से उसके सिर के कंस्ट्रक्शन को कंप्लीट कर देना है। सिमिलरली अगर आप हमिंग बर्ड के सिर को बनाओ तो उसके जो बीक होते हैं पतले होते, लंबे होते, छोटा सा सिर होता है, इवन बॉडी भी बहुत ज़्यादा छोटी होती है, तो उसके हिसाब से सिर की जो होता है ना छोटा सा बॉल का स्ट्रक्चर रहेगा। ग्राफ भी आपको बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी मेरे हिसाब से, आप फ्री हैंडेडली बना सकते हो वो चीज़। और कुछ फर के हिसाब से आपका फर डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स लाइंस आप जैसे शेड कर सको, तो वैसे करके आप सिर के जो पोर्शंस होते हो उसको हाईलाइट कर सकते हो कि कहाँ से कर्व हो रहा है, कहाँ पे बेंड है, तो वहाँ पे शेडो होगा। जो ये सारे शेडिंग्स लाइट एंड शेडो के भी सीरीज़ में लाऊंगी आगे। तो इसे बेसिक स्ट्रक्चर में आपको यही सीखना है कि आप स्ट्रक्चर फॉर्मेशन कैसे कर सकते हो। उसके बाद अगर आपको अच्छी ड्राइंग आ गई, सबके बेसिक स्ट्रक्चर बनाना आप सीख गए, तो कलरिंग इज़ नॉट दैट मच हार्ड। लेकिन अगर आपको कलर ही करना आता हो एंड आपको ड्राइंग करना नहीं आता हो, देन एवरीथिंग इज़ इक्वेलेंट टू 0। आपकी पूरी मेहनत ख़राब हो जाएगी, आप कितना भी अच्छा कलर कर लो, बट अगर आपका जो कंस्ट्रक्शन है बेसिक वो सही नहीं होगा तो आपकी पूरी मेहनत वुड टर्न इन टू अ 0। सो आपको ये सीखना है एंड ऐसा नहीं कि आपको एक बार ही ड्रॉ कर देना है एंड आपको सब कुछ आ गया। आपको कंटिन्यूसली डिफरेंट बर्ड्स, अभी तो थोड़ा एकदम ये इजी है जो मैं बना रही हूँ एज ये वीडियो बिगनर के लिए है, एडवांस में आपको थोड़ा ज़्यादा कंस्ट्रक्शन करना होगा एंड बड़े फिगर्स बनाने होंगे विथ मोर डिटेलिंग इन इट। जैसे आप कुछ छोटे हेड वाले बर्ड्स के बारे में देखते हैं तो उसमें ज़्यादा आपको डिफ़िकल्टी नहीं होगी, छोटा सा सर्कल एंड इसमें कोई ग्राफ की ज़रूरत नहीं है। रैंडमली आप रेफरेंस के हिसाब से आई का स्ट्रक्चर बना सकते हो एंड जो बीक होती है स्पेशली फ़िश ईटिंग बर्ड्स की
वो लंबी होती है, उसके हिसाब से उनका सिर का कंस्ट्रक्शन होता है। जैसे जैसे फूड मतलब जिस कैटेगरी का फूड अलग अलग बर्ड्स लेती हैं, उनके हिसाब से उनका सिर का स्ट्रक्चर एज वेल एज पूरी बॉडी का स्ट्रक्चर डिपेंड करता है। तो कुछ कुछ मैं बना के आपको दिखा देती हूँ, अलग अलग टाइप के बीक्स कैसे होते हैं, लाइक पैरोट का कैसा हो गया, वल्चर का कैसा हो गया, स्पैरो का कैसा हो जाता है छोटा सा। तो ये सारा है डिफरेंट टाइप्स ऑफ बीक्स, जिसे आप ये इंडिविजुअली भी प्रैक्टिस कर सकते हो। एंड ये सब डिपेंड करता है अगर आपके हाथों में फ्री मूवमेंट है कि नहीं, आप लाइंस फ्रीली ड्रॉ कर सकते हो या नहीं। जो मैंने सीरीज 1 जो मैंने स्टार्ट किया था हाउ टू लर्न ड्राइंग, उसमें मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि कौन कौन से ऐसे एक्टिविटीज़ हैं जिस जो आप डेली बेसिस पे करके अपने हैंड में फ्री मूवमेंट ला सकते हो। अगर आपने अभी तक मेरी वो सीरीज 1 के वीडियोस नहीं देखे हैं तो ज़रूर आप उसमें देख लीजिएगा। उसमें मैंने बेसिक कंस्ट्रक्शन के बारे में बताया है, सर्कल, लाइंस, एंगल्स, फ्री फ्लो ऑफ लाइंस आप कैसे प्रैक्टिस कर सकते हो डेली बेसिस। बिकॉज अगर आपको अच्छी ड्राइंग सीखनी है तो सबके बेसिस वही है, लाइंस एंड एंगल्स आपको प्रॉपरली ड्रॉ करने आने चाहिए, बिकॉज इट इज़ एवरीथिंग अबाउट ग्राफ। जैसे मैंने अभी पैरोट का सिर हेड बनाया तो उसमें भी मैंने एक कंस्ट्रक्शन किया, उसके बाद मैंने उसमें डिटेल्स ऐड की लाइक आईज एंड बीक एंड उसमें छोटे से होल एंड उसके कुछ फेदर्स। सो ये सारा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि आपके हैंड मूवमेंट फ्री होने चाहिए। तो अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो देन गिव इट अ बिग फैट थम्स अप। यू कैन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड मैं इंस्टाग्राम पे भी हूँ विद द सेम नेम, मेघा आर्ट अमोर, आप मुझे उधर भी फॉलो कर सकते हो। एंड एक थिंग जो मैं सारे वीडियोस में बोलती हूँ कि आप जो भी प्रैक्टिस करो उसे अपने सोशल मीडिया पे शेयर करो, व्हाट्सएप में स्टेटस लगाओ, स्टोरी लगाओ, इंस्टाग्राम पे लोग देख सकें। एंड इस वीडियो को जितना आप शेयर कर सको विद द बिगनर्स, जिसे भी आर्ट में इंटरेस्ट है एंड उन्हें बेसिक से कुछ आर्ट सीखना है, तो ये उनके लिए बहुत बेनिफिशियल है। एंड आप जो भी प्रैक्टिस करते हो आप मुझे इंस्टाग्राम पे सेंड कर सकते हो, मैं उसमें अपनी फीडबैक्स दूंगी कि आपको कैसे प्रैक्टिस करने हैं और आपको और क्या क्या आगे सीखना है। सो स्टे कनेक्टेड विद दिस चैनल्स, उसके लिए आप बेल आइकन पे क्लिक कर दो कि आपको आने वाली अपडेट्स मिलती रहे व्हेनेवर आई पोस्ट अ न्यू वीडियो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।